जो पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती, एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन, उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। तीन भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाते। इसलिए ये तीन भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है, क्यों नहीं कराओ, क्यों नहीं करा, क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है, स्वान की रोटी निकालना जरूरी है, कौवे की रोटी निकालना जरूरी है। हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूरी। देखिए